हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब से विद तिवारी ग्रुप। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है एक फर्नीचर कारपेंटर के जॉब्स के ऊपर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं दोस्तों, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें फर्नीचर कारपेंटर में कितने बंदों की जरूरत है, कितनी एज लिमिट है, किस तरीके से काम होगा और क्या क्या चीज इसमें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, कंपनी का नाम है अल सराया उडेन एलएलसी, दुबई की कंपनी है। अल सराया उडेन फर्नीचर एलएलसी दुबई की कंपनी है दोस्तों। अब इसमें बात करें, इसमें 50 कैंडिडेट की जरूरत है। 50 कैंडिडेट जो है इनको फर्नीचर कारपेंटर के लिए चाहिए। इसमें जो सैलरी ये देंगे ये 1400 से लेकर 1600 देंगे दोस्तों, 1400 से 1600 देंगे। यानी आप अगर फ्रेशर बनने हैं तो आपको 1400 से मिल सकता है, और आप एक्सपीरियंस बनने हैं तो आपको 1600 मिल सकता है, या उससे ज्यादा भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके क्राइटेरिया पे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो है कौन कौन से पासपोर्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ईसीआर और ईसीएनआर दोनों ही तरह के पासपोर्ट के होल्डर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब इसमें और चीज बात करें कि इसमें वर्किंग टाइम कितना होगा, तो इसमें 8 घंटे का ये जो मैंने सैलरी बताया है 1400 से लेकर के 1600, तो ये 8 घंटे का सैलरी होगा। बाकी जो आपको 2 से 4 घंटे होगा वो ओटी कंपलसरी हो जाएगा दोस्तों, वो नेसेसरी मिलेगा ही मिलेगा आपको, मतलब कंपनी 100% देगी आपको। वो 2 घंटे हो 4 घंटे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 2 घंटे तो कहीं नहीं गया, लेकिन 4 घंटे ही माने चलिए। जनरली 12 घंटे काम लेती ही लेती है कंपनियां। अब बात करें इसमें दोस्तों जो मेडिकल होगा, तो मेडिकल इसमें नॉर्मल होगा, कोई बड़ा वाला मेडिकल नहीं है कि गम का मेडिकल आपको कराना है, नॉर्मल मेडिकल होगा। मेडिकल भी मैंने आपको बता दिया, वर्किंग टाइम भी बता दिया। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो इसमें 20 साल से लेकर के 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें जो वीजा मिलेगा वो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा दोस्तों, कोई इशू नहीं है, क्योंकि दुबई में सबको पता है या गल्फ की कंट्री में सभी में विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका कंपनी बढ़िया होना चाहिए। अब ये मैं बात करूं, हमारी जो कंपनी है ओमटेक ओवरसीज, एक ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी है जिसके थ्रू हम लोग काम को प्रोवाइड कराते हैं सभी कैंडिडेट को, तो इसमें कोई आपको इश्यू नहीं होने वाला है। आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली हमसे मिलके। और लेकिन इसमें बात करूं तो इसमें क्या है दोस्तों कि ये इंटरव्यू बेस्ड जॉब है। इसका इंटरव्यू का जो डेट पड़ा है दोस्तों, ये 25/4/2023 को पड़ा है दोस्तों, 25/4/2023 को ही पड़ा है। और इसमें फ्रेशर और जो है रिटर्नर दोनों ही बंदे अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हमारा जो इंटरव्यू हो रहा है वो हेड ऑफिस बनारस नियर दीन बंधु इंटर कॉलेज मढ़िया पड़ाव पे हो रहा है दोस्तों। यही आपको आना होगा 25 तारीख को, आपको इंटरव्यू देना है। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ओमटेक ओवरसीज, वहीं पे आप वॉकिंग डिस्टेंस पड़ाव से मुश्किल से 100 मीटर दूरी है, या 100 या 150 होगा, इससे ज्यादा नहीं है दोस्तों। वहां आके आप हमें कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट आप ऑफिस में ही विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू का टाइम होगा दोस्तों, वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा समय का, आप सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएगा हर हाल में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।